हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं ग्रीन पाव भाजी या हरियाली पाव भाजी। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में 3 पटेटोस को कट करके प्रेशर कुकर में ऐड किया है। इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 200 ग्राम्स कॉलीफ्लावर, जिसको मैंने पीसेज में कट कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप मटर। वेजिटेबल्स की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी। 1 सीटी आने के बाद मैं इसे 2 मिनट कुक करूँगी और फिर गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूँगी। प्रेशर ड्रॉप होने के बाद मैं इसे खोल लूँगी। भाजी बनाने के लिए हम इस तरह के ग्रीन टमाटर का यूज़ करेंगे। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप कम राइप वाले टमाटर ले सकते हैं। और इस तरह की हरी लहसुन जो ठंडी के मौसम में अवेलेबल होती है, हम ये यूज़ करेंगे। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप सादी लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आधा पंच पालक को 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक किया है। अब मैं इसे 2-3 मिनट इसी में रहने दूंगी और फिर इसमें से निकाल कर मैं इसे आइस कोल्ड वाटर में डाल दूंगी। इससे पालक का कलर बहुत अच्छा ग्रीन आएगा। मैंने इसे ठंडे पानी में डाल दिया है। अब मैं इसे निकाल कर इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करूंगी और इसे साइड में रख दूंगी। अब हम एक दूसरा पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें मैं 1 कप हरा धनिया, 50 ग्राम हरी लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 तेज़ वाली ग्रीन चिलीज़ ली है। इन सभी चीज़ों को मैं मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। वेजिटेबल्स हमारे बॉईल हो गए हैं, इसको मैं मैश कर लूँगी। पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून बटर। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अनियंस, जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है। अनियंस हमारे सॉटे हो गए हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 शिमला मिर्च, जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 3 हरे टमाटर, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसको मैं कवर करके टमाटर सॉफ्ट होने तक कुक कर लूंगी। टमाटो सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप स्प्रिंग अनियंस। ये हरी प्याज है, जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन पेस्ट, चिलीज़ और हरे धनिए का, और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। इसको हम ऑयल सरफेस पर आने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। जस्ट एक पिंच ऐड करना है, हमें ज़्यादा हल्दी नहीं ऐड करनी है। 1.5 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें वेजिटेबल्स का मिक्सचर ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पालक की प्यूरी, जो मैंने प्रिपेयर की थी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम थोड़ा मैश करते हुए पकाएंगे। अगर आपको थोड़ा इस तरह खड़ा खड़ा पसंद है तो आप इसे मैश नहीं करें। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। पाव भाजी हमारी बनकर रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा लहसुन।
इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करूँगी और इस पर 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। जितना बटर आप ज़्यादा ऐड करोगे पाव भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर दूँगी। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम पाव रेडी करेंगे। इसके लिए तवे पर मैंने 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हरा लहसुन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला, आप चाहो तो 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब पाव इसके ऊपर रख देंगे। दूसरी साइड से भी हम बटर लगाएंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। आप चाहो तो और बटर भी इस पर लगा सकते हो। अब हम इसको सर्व करेंगे। पाव भाजी सर्व करने के लिए मैंने इस तरह इसे प्लेट में निकाला है। उसके ऊपर मैंने हरा धनिया और हरा लहसुन डाला है और 1 टेबलस्पून बटर डाल के सर्व किया है। साथ में मैंने अनियंस, टमेटोस और कैबेज को फाइनली चॉप किया है और उसके साथ में हरा धनिया मिक्स करके इसे साइड में सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।